हाय दोस्तों, क्या आप इस तरह की फैंटेसी फ़ोटो बनाना सीखना चाहते हैं? मैं हूं मती खान और आप देख रहे हैं हिंदी ड्रॉइड। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ फ़ोटोज़ की ज़रूरत है। सभी फ़ोटो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से फॉलो करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ोटो डाउनलोड हो जाने के बाद आपको पिक्स आर्ट ओपन करना है। उसके बाद आपको एडिट का ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी फर्स्ट फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको टूल्स में जाके फ्री क्रॉप टूल सेलेक्ट करना है और अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज करना है। बैकग्राउंड इरेज करने के लिए आपको नीचे एक ब्रश दिया हुआ है, आप इसका साइज़ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। साइज़ सेट करने के बाद आपको अपने फ़ोटो को प्रॉपर तरीके से पेंट करना होगा, यानी कि उसे सेलेक्ट करना है। फ़ोटो को पूरी तरीके से पेंट करने के बाद ऊपर जो एरो दिख रही है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। आप चाहें तो इस फ़ोटो को माइक क्लिप में भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो जो आपको सही का निशान दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ड्रॉ में जाना है, थ्री डॉट्स पर क्लिक करके इस फ़ोटो को गैलरी में सेव कर लेना है। फ़ोटो सेव करने के बाद आपको पिक्सआर्ट को दोबारा से ओपन करना है और अपनी सेकंड फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। सेकंड फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको ड्रॉ के ऑप्शन में जाना है। उसके बाद ऐड फ़ोटो पे क्लिक करके आपको थर्ड फ़ोटो को ऐड करना है। इसका साइज़ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, तो आप साइज़ सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद आपको इरेजर टूल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको शेप में जाके स्क्वायर शेप सेलेक्ट करना है और फिल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो अनवांटेड एरिया, यानी कि जो हिस्सा हमें नहीं चाहिए, उसको इरेज कर देना है। दोबारा से इरेजर सेलेक्ट करके आप ब्रश का साइज़ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिए। उसके बाद आपको बहुत ही आराम से इसे मिक्स करना है, तो आप दोनों फ़ोटो को एक में मिक्स कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि नीचे से हमारी फ़ोटो बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। ऊपर का हिस्सा मिक्स करने के लिए दोनों को एक साथ मर्ज करना है। उसके बाद आपको दोबारा से शेप इरेजर सेलेक्ट करके इसे इरेज करना है। अनवांटेड एरिया इरेज करने के बाद आपको लेयर आइकन पे क्लिक करके एम्प्टी लेयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऐड फोटो पे क्लिक करके फोर्थ नंबर की फ़ोटो को ऐड करना है। फ़ोटो का साइज़ आप बड़ा या छोटा करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। फ़ोटो एडजस्ट करने के बाद आपको लेयर आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद स्काई लेयर को आपको ड्रैग करके नीचे कर देना है। उसके बाद आप दोबारा से एम्प्टी लेयर सेलेक्ट कीजिए और ऐड फोटो पे क्लिक करके आपको फिफ्थ नंबर की फ़ोटो को ऐड करना है, जो कि ड्रम फोटो है। फ़ोटो की पोजीशन सेट करने के बाद आपको लेयर आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करके इस लेयर को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको सेकंड लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ पे जो नॉर्मल सेट है उसको ओवरले पे सेट कर देना है। उसके बाद आपको फर्स्ट लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे जो इरेजर टूल है, इससे आप हल्का सा उसे इरेज कर दें। आप देख सकते हैं कि ड्रम अब बिल्कुल पानी के अंदर दिख रहा है। उसके बाद आपको लेयर आइकन पे क्लिक करके सेकंड वाली लेयर पे क्लिक करना है और इन दोनों लेयर्स को एक में मर्ज कर देना है। फिर आपको फर्स्ट लेयर पे सेलेक्ट करके उसे भी मर्ज कर देना है। जिस भी लेयर पे आपको दोबारा से काम करना नहीं होता है, तो आप उसे मर्ज कर दीजिए।
उसके बाद आपको एम्प्टी लेयर सेलेक्ट करना है। एम्प्टी लेयर सेलेक्ट करने के बाद आपको फर्स्ट फोटो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको लेयर आइकन पे क्लिक करके इस लेयर को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको सेकंड लेयर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको ओवर ले पे सेलेक्ट कर देना है। फर्स्ट लेयर सेलेक्ट करके इरेजर टूल सेलेक्ट करना है और इस फोटो को हल्का सा इरेज कर देना है ताकि ये वाटर में मिक्स हो जाए। दोबारा से आपको लेयर आइकन पे क्लिक करके एम्प्टी लेयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको 6 नंबर की फोटो को ऐड करना है। फोटो को ऐड करने के बाद आपको इसे ड्रैग करके वाटर लेयर के ऊपर कर देना है। उसके बाद आप इसे ओवरले पे सेट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जो फिश है वो वाटर में दिख रही है। उसके बाद दोनों लेयर को मर्ज कर देना है। फिर से आपको एक और एम्प्टी लेयर सेलेक्ट करना है। ऐड फोटो पे क्लिक करके आपको 7 नंबर की जो बबल फोटो है आपको इसे ऐड करना है। फोटो ऐड करने के बाद आप इरेजर टूल की मदद से इसे हल्का सा इरेज कर दीजिए। उसके बाद आपको ड्रैग करके इसे वाटर लेयर के ऊपर रख देना है। ओपेसिटी को कम या ज़्यादा करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दोबारा से लेयर आइकन पर क्लिक करके आपको एम्प्टी लेयर सेलेक्ट करनी है। इस लेयर को ड्रैग करके आप गर्ल लेयर के नीचे कर दीजिए। उसके बाद आपको ब्रश आइकन पर क्लिक करके आपको ब्रश का साइज सेलेक्ट करना है। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आपको हल्का सा पेंट करना है इसकी शेडो बनाने के लिए। उसके बाद आपको लेयर आइकन पे क्लिक करके इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है। एक और एम्प्टी लेयर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ऐड फोटो पे क्लिक करके आपको 8th नंबर की यानी कि जो बर्ड फोटो है आपको इसे सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं कि हमारी फोटो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ऊपर जो सही का आइकन है आप इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप अपने मर्जी से कुछ भी इफेक्ट इसमें डाल सकते हैं। जब से PicsArt का नया अपडेट आया है उसके बाद से आप ऑफलाइन फ़ोटो को सेव नहीं कर सकते। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो उसके लिए आपको ड्रॉ में जाना है। ड्रॉ में जाने के बाद आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको सेव इमेज पे ओके कर देना है तो आपकी फ़ोटो सेव हो जाएगी। अगर आप PicsArt के सभी फीचर्स फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आप PicsArt से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।